अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। वज़ीरे आज़म बनने के बाद इमरान खान कौन से घर में रहेंगे, बिलाखिर फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वजारती उज़्मा का हलफ उठाने के बाद स्पीकर हाउस में रहने का फैसला कर लिया और इस ज़मन में PTI के वफद ने स्पीकर हाउस का दौरा करके जायज़ा रिपोर्ट इमरान खान को पेश कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नईमुल हक की सरबराही में PTI के वफद ने स्पीकर हाउस का दौरा किया और वज़ीर आज़म की रिहाइश के लिए इमारत का जायज़ा लिया। इस मौका पर सिक्योरिटी हकाम भी वफद के साथ मौजूद थे, जिन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम से मुतलक अमूर का जायज़ा लेने के बाद वफद को सूरत हाल से आगाह किया। निजी TV दुनिया न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने स्पीकर हाउस की जायज़ा रिपोर्ट में इमरान खान को पेश कर दी है, जो रवा महीने वजारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। वाज़ेह है कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस की बजाय स्पीकर हाउस में क़याम करने का फ़ैसला किया है, जबकि प्रोटोकॉल भी कम से कम रखने की हदायत की है। इमरान खान का कहना था कि अवाम के टैक्स का खुद महाफ़िज होऊंगा, कौम का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों पर खर्च नहीं करने दूँगा। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इशारे में कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।